आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी। प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कुशाभाऊ ठाकरे सभागार भोपाल से युवाओं से संवाद किया। उमरिया जिले में भी युवा संवाद का लाइव प्रसारण सामुदायिक भवन उमरिया में देखा एवं सुना गया, जिसमें जिला के विभिन्न महाविद्यालयों में अध्ययनरत छात्र छात्राओं ने भाग लिया। कार्यक्रम में विधायक बांधवगढ़ शिव नारायण सिंह, भाजपा जिलाध्यक्ष दिलीप पांडे, कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव, प्राचार्य रणविजय प्रताप सिंह, महाविद्यालय सीबी सोंधिया, प्रचार आदर्श महाविद्यालय डॉक्टर एमएन स्वामी, प्राध्यापक अभय पांडे, संजीव शर्मा सहित अन्य प्राध्यापक सहित अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया। रणविजय प्रताप सिंह महाविद्यालय की बीकॉम प्रथम वर्ष छात्रा कृति सिंह चौहान ने प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान से शिक्षा प्राप्त के पश्चात नौकरी, व्यवसाय या अन्य माध्यम से कैरियर निर्माण हेतु प्रदेश सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों के संबंध में जानकारी संबंधित प्रश्न किए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा युवाओं को रोजगार से जोड़ने का कार्य प्राथमिकता के साथ किया जा रहा है। एक ओर जहां शासकीय सेवा में युवाओं की भर्ती की जा रही है, वहीं युवाओं को रोजगार से जोड़ने हेतु प्रदेश सरकार अनेक योजनाएं तथा मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना, मुद्रा योजना संचालित की जा रही है। इन योजनाओं में स्वरोजगार हेतु सरकार बैंक से ऋण एवं अनुदान उपलब्ध कराती है तथा हितग्राही की गारंटी सरकार स्वयं उठा रही है। इसी प्रकार से प्रदेश में निवेश को बढ़ावा दिया जा रहा है। नए उद्योगों के आने से नए रोजगार के अवसर सृजित हो रहे हैं। प्रत्येक माह प्रदेश के हर जिले में रोजगार दिवस के अवसर पर स्वरोजगार मेलों का आयोजन किया जा रहा है, जिनके माध्यम से प्रदेश के 13 लाख युवाओं को रोजगार दिया गया है। इसके अतिरिक्त प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की शिक्षा की व्यवस्था, स्टार्टअप मध्य प्रदेश, रचनात्मक एवं रोजगारोन्मुखी शिक्षा, उद्यमिता विकास, तनाव मुक्त वातावरण का निर्माण, सेरेमनी के माध्यम से नई प्रतिभाओं को प्रतिभा निखारने का अवसर, पेटेंट कराने पर अनुदान आदि की व्यवस्था प्रदेश सरकार ने शुरू की। उन्होंने कहा कि विद्यार्थी कड़ी मेहनत एवं एकाग्रता के साथ अपने अध्ययन कार्य को बढ़ाएं, साथ ही अभिभावक बेटा बेटियों को बढ़ने के समान अवसर प्रदान करें। उमरिया से प्रवीण तिवारी की रिपोर्ट। 6 अप्रैल 2022 को युवा संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया, जो राज्य स्तरीय कार्यक्रम था, जिसके मुख्य अतिथि हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी थे। ये कार्यक्रम भोपाल में कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में आयोजित किया गया, जिसे प्रदेश की लगभग 25 लाख लोगों ने इसको सुना। हमारी महाविद्यालय से कीर्ति चौहान छात्रा का चयन हुआ था, जिसने रोजगार के बारे में चर्चा की थी, स्किल डेवलपमेंट के बारे में चर्चा की थी, जिसे इसके उत्तर के संदर्भ में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा विस्तार से बताया गया और बच्चों को प्रोत्साहित किया गया। उन्होंने कहा कि बच्चों को रोजगार के लिए भटकना नहीं चाहिए, बल्कि उनमें इतनी काबिलियत होना चाहिए कि वो दूसरों को रोजगार दें। यही प्रयास उन्होंने किए और बच्चों के मनोबल को बढ़ाने का प्रयास किया। नमस्कार, मेरा नाम है कीर्ति सिंह चौहान, IBPS कॉलेज से। मैंने आज डायरेक्ट मुख्यमंत्री जी से संवाद किया है, तो उन्होंने काफ़ी सारे मेरे प्रश्नों का उत्तर दिया है, मेरी काफ़ी सारी चिंताएं दूर की हैं और मुझे एक करियर में आगे चलने का बहुत अच्छा मार्ग दिखाया है। मैंने रोजगारों के बारे में सवाल किया है कि यहाँ पे युवकों को रोजगार नहीं मिल रही है, या उसके संबंध में कोई योजना है? स्किल डेवलपमेंट के बारे में भी हमने काफ़ी चर्चा की। क्या कुछ जवाब दिए मुख्यमंत्री जी ने? मुख्यमंत्री जी ने अपनी विभिन्न योजनाओं के बारे में हमें बताया और ये भी बताया कि हमें खुद से अपना स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहिए, जिसके लिए वो पूरी राशि खुद प्रदान करने के लिए वादा किए।